हेलो क्लास सेवन स्टूडेंट्स, हियर इज आनंद सर एंड द टुडेज टॉपिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इट्स नेम इज रेडिएशन। मैं ऊपर स्पेलिंग लिख रहा हूँ, रेडिएशन। रेडिएशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में हमें जो चीज़ समझनी है वो क्या है, देख लीजिए। रेडिएशन पहले क्या होता है, हिंदी में से बोलते हैं विकिरण। क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। द हीट गिवन ऑफ फ्रॉम द सन कैन नॉट रीच अस बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन और कन्वेक्शन बिकॉज बोथ द प्रोसेसेस रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रांसफर द हीट, बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मीडियम सच एज एयर इन मैक्सिमम लेयर्स ऑफ स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन दीज प्रोसेसेस कैन नॉट ट्रांसफ़र द हीट टू द अर्थ। इसका मतलब क्या है, पहले समझ लीजिए कि सन से जो एनर्जी हमारी अर्थ पर जो आती है, यानी सूरज से जो एनर्जी, जो ऊर्जा हमारी अर्थ पर आती है, वो ना ही कन्वेक्शन से और ना ही कंडक्शन से, यानी ना तो चालन से आ सकती है और ना कन्वेक्शन से, ना संवहन से आ सकती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस को कैसे क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। मीडियम का मतलब एक माध्यम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक माध्यम चाहिए होता है। माध्यम यहाँ पर है नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास रेडिएशन के पास जहाँ से आती है सन एनर्जी, जहाँ से आती है सोलर एनर्जी, वहाँ से सोलर एनर्जी आने पर क्या होता है, आप लोग जानते हो कि वहाँ पर अंतरिक्ष में निर्वात है, अंतरिक्ष में निर्वात है, जैसा कि आप लोग जानते हो। आगे हम इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है, दिस प्रोसेस कैन नॉट ट्रांसफर द हीट ऑफ द अर्थ, इसलिए हमें कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों नहीं चल पाएंगे। एट दिस मोमेंट अनदर प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन कम्स इनटू एक्ट, इसी समय रेडिएशन की एंट्री होती है, विकिरण की एंट्री होती है, एक्ट टू ट्रांसफर द हीट रेडिएटेड बाय द सन टू द अर्थ। और वहाँ पर रेडिएशन क्या करता है, रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती और वो सन से पूरी की पूरी एनर्जी को अर्थ तक पहुँचा देता है। दिस हीट ट्रांसफरिंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, विशेष ध्यान रखना है, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, यह अंतरिक्ष में भी चल सकती है। दीज आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। प्रकाश और ऊर्जा जो दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों जो मैटर हैं, दोनों जो सब्सटेंस हैं, वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी प्रकाश, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में चल सकते हैं। देयर कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये निर्वात में यानी वैक्यूम में जहाँ हवा नहीं होती वहाँ पर भी चल सकते हैं। एंड ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट की स्पीड में भागते हैं। दिस प्रोपोगेशन ऑफ हीट फ्रॉम द सन टू अर्थ इन्वॉल्व बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाई ई एंड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाई बी। तो इसमें क्या होता है, जो ई तो होती है, ई के साथ साथ बी भी होती है। ई मतलब होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। नॉट ओनली द सन बट ऑल द हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, ऐसा नहीं है कि सन ही अकेला करता है, और कई चीज़ें भी होती हैं जो हीट को रेडिएट करती हैं, यानी अपने अंदर से ऊर्जा, गर्म ऊर्जा क्या करती हैं, रेडिएट करती हैं। दिस कैन प्रोपोगेट थ्रो मीडियम और ओवर, मैं आप दिखा रहा हूँ आप लोग ऐसे करके, इसमें से आपको देख नहीं रहा होगा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। नॉट ओनली द सन, ऑल बॉडीज, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, दिस कैन प्रोपोगेट थ्रो मीडियम और इवन इन वैक्यूम। हीटिंग ऑफ रूम बाय अ रूम हीटर, हीटिंग अप ऑफ यूटेंसिल्स कैप्ड ओवर अवे फ्रॉम हीट आर ऑल ड्यू टू रेडिएशन, इसलिए जो बर्तन आग से दूर भी रखा रहता है वो भी कभी कभी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और हम कहते हैं कि जो हमारी एनर्जी है वो रेडिएट होके क्या हो गई,
उस बर्तन तक पहुंच गई। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर देखें, और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।